हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से खजूर का लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक लड्डू अगर हर रोज़ सवेरे निहार मुँह आप खा के पानी पीती हैं तो आपको किसी किस्म की थकान कमजोरी नहीं होगी। तो इसे बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक कटोरी खजूरी की ज़रूरत होगी। एक कटोरी खजूर में हम काफ़ी मिठाई बना लेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस खजूर के सारे शीट्स निकाल लेने हैं। तो इनके सारे बीजों को निकाल करके हम अलग कर लेंगे। इस तरह से बीज से कट करेंगे और इस तरह से आसानी से खजूर के बीज निकल जाएंगे। तो आप ये लड्डू बहुत ही आसानी से बना सकती हैं घर पे, जो बहुत ही महंगी मिलती है बाज़ार में। तो इसकी लड्डू बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो बातों ही बातों में सारे बीज मेरे निकल चुके हैं। तो अब हम इन बीजों को निकलने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे, देख लेंगे कि अंदर कीड़े तो नहीं हैं। जब सभी को हम अच्छे से चेक कर लेंगे तब हम इसकी ऊपर की टोपी और बीज हटाने के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में ऐड करके इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे, जिसमें ना किसी दूध ना किसी पानी की ज़रूरत है। तो सिर्फ खजूर और मेवे से हम मिला करके इस लड्डू को तैयार करेंगे और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप कोई भी मनपसंद मेवा ले सकती हैं जो आपके पास हो, कोई ज़रूरी नहीं है। काजू बादाम भी सिर्फ ले सकती हैं। और बीज अगर इसमें डाल लें तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो मैंने कद्दू, खीरा, ककड़ी सभी चीज़ों का बीज मेरे पास था तो मैंने वो ले रखा है। किशमिश लिया है इसके अंदर, बादाम है, इन सभी को हम बारीक कट कर लेंगे। आपके पास अगर नारियल हो तो उसे भी ले लें। इसे ग्राइंडर जार में ऐड करके हमने पीस लेंगे और पीसने के बाद इसमें एक चम्मच सिर्फ घी डाल करके हम इसे खजूर को भून लेंगे, जिससे अगर इसके अंदर नमी हो थोड़ा भी तो वो सूख जाए। तो ड्राई फ्रूट आप बिना भुने भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर भून दे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये लड्डू काफ़ी दिनों तक के चलेगा, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो आप इसे कच्चा भी यूज़ कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। कच्चा भी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर भून देंगी इसे तो ये काफ़ी दिनों तक के चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये सारे मेवे को मैंने भून लिया है और ये खजूर भी मैंने पीस लिया। तो अब इसे हम इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे। एक से दो हाथ चलाने के बाद ये बिल्कुल सूखा हो जाता है। और इस तरह से जब सूखा हो जाए तब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें सारे मेवे को ऐड कर देंगे। और बस मेवा और खजूर मिला करके आप लड्डू तैयार कर लीजिए। तो फटाफट बिना देर किए इसका लड्डू बनाते हैं हम। तो आप देख सकती हैं इसे चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से आप इस मिठाई को गोल लड्डू की तरह शेप दे दे या फिर पेड़े की तरह शेप दे दे, ये आपके ऊपर है। बहुत सारे बाज़ार में इस तरह की भी शेप से मिलते हैं मिठाई, तो आप इस तरह से बनाना चाहे तो इस तरह बना लें, इस तरह गोल लड्डू बनाना चाहे तो इस तरह से बना लें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो ये मैंने इस तरह से लड्डू तैयार कर लिया है और आप मनपसंद बॉक्स में इसे भर के जैसे दिल चाहे वैसे किसी को गिफ्ट कर सकती हैं। तो अगर हमारी खजूर लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे पूरा पूरा वॉच टाइम मिले। तो इसे बनाकर खाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड, बाय।